हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली दिल्ली सल्तनत में बेसिकली जो लोग रूल किए वो लोग इस्लाम इस्लाम के लोगों ने रूल किया, और बेसिकली टर्क्स के लोग थे, टर्की के लोग थे। और जो टर्की के लोग थे ना, ये लोग रोमन एम्पायर से, जब रोमन एम्पायर में बेसिकली ये स्लेव थे। ठीक, अब जैसे ही रोमन एम्पायर हमारा कोलैप्स हुआ 1300 AD में, या कोलैप्स होने के साथ साथ, आप देखेंगे 1300 AD तक टाइम दिया जाता है कोलैप्स होने के लिए, लेकिन कोलैप्स होने में कुछ टाइम लगता है कि 200 300 टाइम लगता है। तो रोमन एम्पायर से जो लोग स्लेव थे ये लोग आगे टर्क्स में बस गए, और टर्क्स में आ गए मतलब टर्की में आ गए, और इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। तो जरा थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हुए दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार इसका हम पीरियड देख लेते हैं। जो पीरियड हमारा दिल्ली सल्तनत का 1206 टू 1526, ठीक है, यहां से स्लेव डायनेस्टी शुरू होगी, और यहां पे इब्राहिम लोदी को हमारा बाबर आके हराएगा। गन पाउडर का यूज होगा पहली बार, ठीक है, गन पाउडर के बारे में बहुत तगड़ा पढ़ेंगे हम लोग। तो ये चीजें हमारी शुरुआत होगी। तो देखिए, बात करते हैं जरा 7 जवाल, पहला कौन हमारा मुस्लिम अटैक किया था, वहां से शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 711 AD में हमारा मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान रीजन को जीता था, ठीक है। आपको पहले बताया कि वहां पे सिविल वॉर हुआ था, और ये इन्होंने सिंध और मुल्तान रीजन को जीत लिया था। अब देखिए, लेकिन ये बेसिकली स्लेव थे, जो हमारा मोहम्मद बिन कासिम थे ये स्लेव थे। तो इनके मास्टर ने इनको बुलाया, आ जाओ बेटा टर्की की तरफ, ठीक है, पर्सिया टर्की की तरफ, इस्लाम वाले रीजन में, और इनको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, ये हमारा काम हुआ। इसके बाद आपने गजनवी का नाम सुना हुआ, जिसने 17 बार इंडिया को लूटा है। हमारा एक है गजनीवाद एम्पायर। तो ये बेसिकली जो गजनीवाद एम्पायर था, ये हमारा ईरान, सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल एशिया सॉरी, यहाँ पे हमारा गजनीवाद का एम्पायर था, और इसने इंडिया को 17 बार लूटा। कब से कब के बीच दोस्त, आप देख सकते हैं कि 1000 AD टू 1026 AD तक 26 सालों में 17 बार लूटा। अब भाई लूटने के लिए क्या होगा कि गजनवी का आप टेरर देखेंगे, तो एक बार रूट की बात करते हैं कैसे ये लूटेगा। तो आपको पता है कि एक ही रूट हमारे इंडिया के लिए खुला हुआ है, वो हिंदू कुश का रीजन, जहां सिंध पड़ता है, ठीक है, हिंदू कुश का रीजन, खैबर पास से ये लोग आते थे हमेशा, ठीक है, वहीं से आते थे, क्योंकि ये दो तरफ तो पानी है, हमारा अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल हमें सेफ गार्ड देता है, एक तरफ हमारा हिमालय वहां सेफ गार्ड देता है, तो यहां से ये लोग नहीं आ सकते थे। तो देखिए, जब ये हमारा हिंदू कुश रीजन से आता था, तो उस समय हिंदू कुश रीजन को रूल करते थे हमारे राजा जयपाला, ये रूल करते थे, और भाई इनको कम से कम 17 बार हराया, आप समझ रहे हो, 17 बार इस राजा को हराया, और राजा फ्रस्ट्रेट हो गया, यार जब भी ये मतलब आता है गजनवी ने हरा के जाता है, अब राजा फ्रस्ट्रेट हो गया, राजा ने सुसाइड कर ली, समझ रहे, फ्रस्ट्रेट हो गए, मतलब हार की वजह से फ्रस्ट्रेट हो, 17 बार हारा, सुसाइड कर लिया। तब ये राजा जो जयपाला जयपाला थे, इनके लड़के थे आनंद पाला, इन्होंने कहा यार पापा ने सुसाइड कर लिया यार, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा यार गजनवी का, ऐसा थोड़े होगा। तो जयपाला जयपाला साहब के बेटे आनंद पाला ने उज्जैन, ग्वालियर, कन्नौज, दिल्ली और अजमेर के साथ इन्होंने एक अलायंस बनाया, और पेशावर में लड़ाई हुई, ठीक है, लेकिन सबको एक साथ हरा दिया गया, उज्जैन के राजा को, ग्वालियर के राजा को, कन्नौज को, दिल्ली को, अजमेर को, सबको एक बार हरा दिया जाए, एक साथ हरा दिया गजनवी ने। उसके बाद 1008 से लेकर 1008 में बेसिकली लड़ाई हुई थी, 1008 में, 1008 टू 1026 के बीच में गजनवी ने बहुत जगह अटैक किया, जैसे थानेश्वर, कन्नौज, मेरठ, सोमनाथ, अजमेर, यहाँ पे इन्होंने अटैक किया और लूटा इनको। यही नहीं, सोमनाथ मंदिर का जो लिंगम है, जो वहाँ पे शंकर जी का लिंगम है सोमनाथ मंदिर में, उसको हैमर हथौड़े से मारा गया, तोड़ा गया, उसके बाद उसके जो कण बचे हुए थे उसको जामा मस्जिद में ले जाकर लगा दिया गया। अब देखिए, अब शुरू करते हैं हम स्लेव डायनेस्टी। तो आपको बता दिया है स्लेव कौन थे, बेसिकली रोमन एम्पायर में ये स्लेव थे, बाद में ये भागकर सेटल हुए हमारे आकर टर्की में, और ये टर्की में आकर ये लोग इस्लाम कबूल किया, और फिर इन्होंने इंडिया को इन्वेड किया। तो पहले जो स्लेव डायनेस्टी के हमारे रूलर थे, इनका नाम था, देखिए अभी स्लेव डायनेस्टी शुरू हो रही है, लेकिन इसके पहले हमें देखना पड़ेगा मोहम्मद गोरी ने कैसे हराया हमारा पृथ्वीराज का, जो लड़ाई होगी इसके बाद मोहम्मद गोरी का कोई लड़का नहीं होगा, ठीक है, मोहम्मद गोरी का कोई लड़का नहीं होगा। अब ये मोहम्मद गोरी क्या करेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना
सारा को सौंप कर मर जाएगा। ठीक है, तो देखिए मोहम्मद गोरी क्या था, बेसिकली मोहम्मद गोरी ने 1191 में बैटल ऑफ तराई हुई थी, बेसिकली ये पृथ्वीराज के साथ इसकी लड़ाई हुआ करती थी, बैटल ऑफ तराई में लड़ाई हुई पहली, इसे पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। लेकिन ठीक अगले साल 1192 में बैटल ऑफ तराई सेकेंड हुई, इसमें पृथ्वीराज ने फिर गोरी को हरा दिया, सॉरी मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। उसके बाद जब दूसरी जब बैटल ऑफ तराई हुई तो गोरी जीत गया। अब क्या हुआ कि बहुत सारे स्लॉटर किए, ये हर इंडिया में हर जगह घूम घूम कर इसे बहुत मारा। ठीक है, जैसे कि बैटल ऑफ अजमेर, दिल्ली, अयोध्या, बंगाल, इन्होंने बहुत स्लॉटर किया, बहुत लूटपाट मचाया। लेकिन मोहम्मद गोरी का कोई लड़का नहीं था, ठीक है, कोई उसका वायसराय नहीं था, कोई लड़का नहीं था, तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक रूलर बना दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही हमारा रूलर बनता है तो यहां से हमारी शुरू होती है स्लेव डायनेस्टी। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक से अब स्लेव डायनेस्टी शुरू हो गई है। स्लेव बता दिया, टर्क से आए हुए थे, टर्की से आए हुए थे, और कुतुबुद्दीन उसका नाम था, ऐबक उसको उपाधि मिली थी। ऐबक मतलब होता है एक्सिस ऑफ फेथ, बहुत ज्यादा फेथ किसी पर रखना, इसका बोलते थे पर्सियन लैंग्वेज में कि ये हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ फेथ है। तो देखिए आप स्लेव डायनेस्टी शुरू करते हैं, तो देखिए स्लेव डायनेस्टी का नाम मैलुक डायनेस्टी भी होता है, ठीक है, इनकी टर्किश ओरिजिन थी। तो आप जरा यहाँ पे ब्लू कलर का एक बॉक्स बना होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, ये तीनों लोग हमारे टर्की से आए हुए थे, लेकिन सैयद अरब से आए हुए थे और लोदी अफगान से आए हुए थे। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। और जो हमारी मैलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी चली थी, इसको बनाया किसने था, बेसिकली जो इसका गॉडफादर था वो तो बनाया था मोहम्मद गोरी ने, लेकिन सौंप किसको दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसका पहला रूलर यदि बताएंगे इसको आप, तो कुतुबुद्दीन ऐबक होंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने क्या किया था कि कुतुब मीनार बनवाया, लेकिन आधा बनवा के छोड़ दिया। ठीक है, तो किसके नाम पे नाम रखा गया भाई कुतुब मीनार, ये बेसिकली नाम रखा गया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये हमारे एक सूफी सेंट थे, इनके नाम पर ये कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। इसके बाद हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमारा कुवैत उल इस्लाम मॉस्क भी बनाया। तो ये दो काम बहुत बड़े थे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक के। दूसरे रूलर की बात करते हैं, दूसरे रूलर थे हमारे इल्तुतमिश, ये हमारे सन इन लॉ थे, बेसिकली दामाद थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। और इन्होंने जो इनका कंप्लीट काम बचा हुआ था कुतुब मीनार का, तो हमारे इल्तुतमिश साहब ने इसको कंप्लीट करवा दिया। अब देखिए कोई भी राज चलाने के लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जरूरी होती है, प्रशासन हमको लगाना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। तो जो ये टर्की के लोग थे ना, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक चालीसा सिस्टम बनाया। किसने बनाया सर, इल्तुतमिश ने बनाया। ये चालीसा सिस्टम पूरे टाइम हमारा स्लेव डायनेस्टी को परेशान करता रहेगा। ठीक है, इन्होंने चालीसा सिस्टम बनाया, और बेसिकली ये टर्की के लोग थे, उनको इंडिया के लोगों को भरोसा नहीं था, टर्की के लोगों को उन्होंने बुलाया था। जैसे कि आप कोई बिजनेस करते हैं, आप मान लीजिए आप गुजरात के हैं, तो आप गुजरात के लोगों पे ज़्यादा भरोसा करेंगे एज़ कम्पेयर टू कि यूपी वाले। इसी तरह से जो हमारा इल्तुतमिश था, इन्होंने चालीसा सिस्टम बनाया या चहलगाने सिस्टम बनाया, जो कि टर्की के लोग थे और ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे। उसके बाद चलो एडमिनिस्ट्रेशन तो आ गया, इनको पैसा कैसे दोगे भाई, है ना। तो इनको पैसा देने के लिए बेसिकली हमारा इक्ता सिस्टम बनाया गया। इक्ता सिस्टम आपको प्रॉपर आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो इक्ता सिस्टम में क्या था कि हमें लैंड रेवेन्यू देनी पड़ती थी, मतलब कि मान ली गवर्नर है किसी प्रोविंसेस का, तो उसको सैलरी के लिए हमने क्या किया, लैंड अलॉट कर दिया कि यहाँ पे टैक्सेशन आप करेंगे। कोई सोल्जर हो गया, कोई छोटे मोटे सिपाही हो गए, इनको भी लैंड दी जाती थी इसमें, तो आगे हम इसको देखेंगे। इसके बाद पहली बार सिल्वर टांका और कॉपर जितल, ये हमारा करेंसी इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है, सिल्वर की और कॉपर टांगा की। और बाद में बलबन ने गोल्डन क्वाइन भी हमारा इशू किया था। ठीक, उसके बाद जो मैलुक डायनेस्टी थी, इसका थर्ड रूलर हम देखते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की एक लड़की थी, बहुत मतलब कि एकदम दमदार, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। ठीक है, लेकिन बात यह थी ना कि जो इल्तुतमिश ने खेल खेला था कि चालीसा सिस्टम बनाया था, तो 40 लोग एक साथ थे, ये लोग किसी को टिकने नहीं देते थे। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान से भी बहुत प्रॉब्लम रही चालीसा सिस्टम की, और इसने केवल 3-4 साल रूल किया। बाद में जाट से इनकी लड़ाई हुई और ये मर गई हमारी। ठीक है, जो जाट हमारे मॉडर्न हरियाणा में है, इनसे लड़ाई हुई, रजिया सुल्तान मर गई हमारी। फोर्थ रूलर,
फोर्थ रूलर जो थे ये बलबन थे, बहुत सही रूलर, ठीक है। इन्होंने बेसिकली 1266 to 1287 के बीच में इन्होंने रूल किया, और दिक्कत किससे थी, चालीसा से। तो चालीसा का इन्होंने पूरा भरपूर इस्तेमाल किया, उसके बाद चालीसा को एग्जीक्यूट कर दिया। चालीसा चहलगानी सिस्टम का पूरा इस्तेमाल करते हुए राजा बने, उसके बाद 40 लोगों को इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेवाती जो दोआब रीजन था, हमें डकैत भी थे जिनको मेवाती डकैत बोलते हैं हम, ठीक है, तो उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया इन्होंने। और इन्होंने कहा कि उस समय बहुत शासन खराब हो गया था, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, लोग थे, राजा की इज्जत नहीं करते थे। इसने कहा कि दो सिस्टम लगाऊंगा, जम्बोजी किस टू अर्थ, पैबोसी किस द फीट ऑफ सुल्तान, ठीक है, मतलब कि सुल्तान के पैर को भी चूमिए और धरती को भी चूमिए। यही नहीं, दारू पीना बंद कर दिया था, इनके राज्य में कोई भी कवि पोएट हंस नहीं सकता था, हंसने पर पाबंदी लगा दी गई थी, ठीक है, सब लोग चुपचाप बैठे रहते थे सीरियस मोड में, हंसना बिल्कुल अलाउड नहीं था, नहीं तो आपको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे सिस्टम हमारे बलबन साहब ने लगा दिए थे। अब देखिए इकता सिस्टम क्या था, बेसिकली इसका नाम लिटरली मीनिंग ये होता है लैंड रेवेन्यू, ठीक है, इकता का मतलब है लैंड रेवेन्यू। इल्तुतमिश ने लगाया था, ये बेसिकली क्या था कि सैलरी पर्पज। आप देखिए कि हमारे गवर्नर हैं उर्जित पटेल साहब हैं, तो इनको कहते हो तुम जमीन ले लो, रेवेन्यू के बदले में कहेंगे मैं खेती करूंगा, पैसा दो पैसा, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए हमारे सोल्जर्स हैं, जितना भी इंडियन आर्मी है, तो इनको भी तो पैसा देना पड़ता है ना यार, तो इनको बेसिकली पैसा उस समय तो था नहीं बहुत ज्यादा, तो उन्होंने बोला कि आपको लैंड मैं अलॉट कर देता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने उर्जित पटेल साहब को भी लैंड मिल गई बहुत ज्यादा, और जो सोल्जर्स हैं इनको भी छोटे छोटे लैंड के टुकड़े मिल गए। तो ये लोग लैंड इसलिए दिया जाता ताकि अपनी सैलरी को ये लोग निकाल रहे हैं इन चीजों से। अब देखिए दो भागों में डिवाइड था, लार्ज एकता था जो प्रोविंशियल गवर्नर को मिलता था, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के काम करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रोल करते थे, ठीक है, और ये ट्रस्टेड पीपुल थे हमारे सुल्तान के। उसके बाद जो स्मॉल एकता था ये ट्रूप्स थे, इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ये जब भी बुलाया जाएगा, ये स्टैंडिंग आर्मी भी नहीं थी कि नहीं आर्मी में भर्ती है, नहीं, ये बेसिकली धोबी भी हो सकते हैं, कारपेंटर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जब भी इनको बुलाया जाएगा ये अपने घोड़े के साथ और हथियार के साथ प्रस्तुत हो जाएंगे सुल्तान के सामने, मतलब कि आज मैं कपड़ा धो रहा हूं, कल सुल्तान ने बुलाया तो मैं जाकर वहां सैनिक बन जाऊंगा, ठीक है, इस तरह का सिस्टम था ये। तो मजे थे, इनको कोई दिक्कत नहीं थी। और बेसिकली लैंड कैसे हमें रिकॉग्नाइज करी जाएगी, कि मान लीजिए किसी के पास एक घोड़ा है, एक हॉर्स है, तो उसको थोड़ा ज्यादा लैंड दे दीजिए, किसी के पास एक केवल तलवार ही है तो उसको थोड़ा कम लैंड मिलेगा, किसी के पास हाथी है उसके पास थोड़ा ज्यादा लैंड मिलेगा। तो इस तरह से हम लैंड अलॉट कर देते थे, और इनको हम बोलते थे कुत्स और मुकदम्स, कुत्स और मुकदम बोलते थे। और जितने यहाँ पे थे जो लोग ये स्मॉल एकता वाले थे, ये लोग बड़े मजे करते थे, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई कम होती थी, तो ये लोग पूरे दिन काम करते थे, अपने घर पे काम करते थे और खेतों में खेती करते थे, और हमेशा आपको आर्मी को सर्व करनी नहीं होती थी, बहुत कम टाइम के लिए सर्व करनी होती थी, तो इनको काफ़ी मज़े होते थे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं इनके पास में। तो इनका नाम था बेसिकली कुत्स और मुकदम ने। तो खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने, अभी आगे आएगा, इसको एबॉलिश किया तो खालसा सिस्टम बना दिया था, ठीक है। खालसा सिस्टम में क्या था कि जितना भी यहाँ लैंड दिया गया है उर्जित पटेल साहब को और सैनिक को, इस लैंड की रेवेन्यू पहले स्टेट के खाते में जाएगी, तिजोरी में जाएगी, वहां से आपको पैसा मिलेगा। तो इस तरह से सेंट्रलाइज कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। लेकिन अभी क्या आप देख रहे हैं कि गवर्नर के पास अलग पैसा जा रहा है, वो अपना खुद ले ले रहा है, या फिर सोल्जर्स के पास अलग पैसा जा रहा है, वो ले ले रहा है, तो सेंट्रलाइज कंट्रोल छूट गया है, जो मेन रेवेन्यू का सिस्टम है वो हमारा छूट गया है। आप देखिए जो इसके बाद शुरू करते हैं हम खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी क्या हमारी चली थी बेसिकली 1290 to 1320 AD तक। ये बेसिकली जो जलाउद्दीन खिलजी अक्का साहब थे, ये जनरल थे हमारे स्लेव डायनेस्टी में, और उन्होंने जनरल थे, उन्होंने जो लास्ट रूलर थे हमारे स्लेव डायनेस्टी के, उनको मार दिया, उनका नाम कैकुबाद था, उनको किल कर दिया, और जलालुद्दीन खिलजी अक्का साहब इसके रूलर बन गए, खिलजी डायनेस्टी का स्थापना करी इन्होंने। अब देखिए इन्हीं के नेफ्यू थे जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी,
1296 और 1316 तक इन्होंने रूल किया। ये इन्होंने पहले ऐसे रूलर थे अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने विंध्या रीजन को पार किया, मतलब विंध्या रीजन को पार करते ही साउथ इंडिया लग जाता है। तो पहले ऐसे रूलर थे अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने विंध्या रीजन को हमारे क्रॉस किया। और उस समय आपको पता है ये मंगोल जो मंगोल्स थे इनका फ्रिक्वेंट अटैक होता था इंडिया पे, वो भी आकर अटैक कर जाते थे इंडिया पे, ठीक है। तो इन्होंने एक सीरी फोर्ट बनवा दिया ताकि मंगोल्स पे एक मतलब कि एक चेक बना रहे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और जो रूलर थे उस समय के दिल्ली सल्तनत काफी परेशान थे मंगोल के अटैक से। तो खिलजी को लगा यार ये तो नहीं जीने देंगे। तो खिलजी ने कहा कि इसको मंगोल्स को सिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक स्ट्रांग आर्मी होनी चाहिए। स्ट्रांग आर्मी करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, मतलब इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इकोनॉमी के लिए हमारा मार्केट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप कभी भी आप मिडवेल इंडिया के बारे में सुनेंगे तो मार्केट कंट्रोल जो स्ट्रेटजी थी हमारे अलाउद्दीन खिलजी की काफ़ी प्रॉपर थी, जो आज भी फॉलो करी जाती है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्ट्रांग आर्मी मेंटेन करी ताकि हम मंगोल्स पे एक चेक बना के रखें, ठीक है। इस पर चेक करके रखें मंगोल्स पे कि नहीं भाई साहब तुमको मारेंगे, तुम अटैक नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद इन्होंने भेजा अपनी आर्मी को मंगोल्स को पीटने के लिए। उसके बाद मंगोल्स को बहुत मारा खिलजी के सैनिकों ने। उसके बाद कोई हमारा मंगोल्स का अटैक हमारा नहीं हुआ। उसके बाद मंगोल्स क्या हुए कि हमारा इंडिया में सेटल हो गए, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस्लाम को, लेकिन वो खिलजी साहब को मारना चाह रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी को मारना चाह रहे थे कॉन्स्पेरेसी की मारने के लिए। तो सुल्तान ने 40,000 मंगोल्स को एग्जीक्यूट कर दिया, लटका दिया दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ से मंगोल मतलब परेशान करना हमें छोड़ देंगे।